हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो अभी मैं सो के उठ रही हूँ और मैं आपको बता दूँ कि शिमला में अब ठंड होने लग गई है। मौसम 2 दिन से बहुत ख़राब था और अब लग रहा है कि सर्दियाँ पास आ रही हैं और हाइट्स वाले एरिया में तो बर्फ़ भी पड़ गई है। तो आज ना मेरा प्लान बन रहा है मंदिर जाने का, क्योंकि नवरात्रे हैं और मैं नवरात्रों में अभी तक मंदिर नहीं गई हूँ। तो मैं आज मंदिर जाने का प्लान बना रही हूँ। सो अभी मैं फ़्रेश होंगी, फिर रेडी होकर होने के बाद मैं संजौली जाऊंगी और संजौली से करती हूँ डिसाइड कि कौन से मंदिर जाया जाए। और अभी मैं आपको फ़िलहाल बाहर जाके दिखाती हूँ बालकनी में कि मौसम कैसा हो रहा है आज। मौसम आज साफ़ है बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि साफ़ मौसम में कहीं तो जाना चाहिए। तो पहले बाहर चलते हैं बालकनी में, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। सो आप देख सकते हो कि मौसम कितना ज़्यादा साफ़ है। गाइस, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही है। उफ, बहुत तेज धूप लगी हुई है आज। सो अभी जाने से पहले मैं राजमा भी धो के रखूंगी, क्योंकि शाम को आज मुझे राजमा की दाल बनानी है। पहले भिगो के रखते हैं। ज्यादा नहीं, मैं थोड़ी सी करूंगी क्योंकि अकेले ही हूँ इसलिए। ये काम तो हो गया है मेरा, इसको रखते हैं साइड। सो गाइज, मैं हो गई रेडी और अब चलते हैं संजौली की ओर। रास्ते में अगर मैंने शूट किया तो ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं किया तो फिर आपको संजौली में ही मिलता है। और अभी भी मैं फ़िलहाल सोच ही रही हूँ कि कौन से मंदिर जाऊँ, बट चलो अब संजौली में ही करते हैं डिसाइड। तो यहाँ बन रही है नई टहल। मेरा डिसाइड हुआ टिंगो माता मंदिर संजौली जाने का। चलते हैं ऊपर। सो गाइस, बहुत ज़्यादा पैडिया है और स्ट्रगल कर रही हूँ चलने का। तो फाइनली मुझे कुछ बैठने के लिए मिल गया। यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं पहुँच रही हूँ मंदिर और आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा थकावट है और ऑलमोस्ट पहुँच ही चुकी हूँ। फाइनली आई एम हेयर और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि बहुत समय बाद आई हूँ आज। गाइज, मैं आ गई हूँ दर्शन करके और अंदर अच्छा नहीं लगता से फोटोग्राफी वगैरह करना। वैसे शायद अलाउ तो करते हैं यहाँ पे, पर मैंने ज़्यादा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं की। तो मैं बस दर्शन किया मैंने और मैं बाहर आ गई और प्रसाद भी मिला है माता रानी का। और अभी थोड़ा इधर उधर घूमूंगी, यहाँ से संजौली का भी बहुत अच्छा आता है और अभी वहाँ चलते हैं, आपको भी ज़रूर दिखाऊँगी। सो अभी मैं संजौली जा रही हूँ और पहले मैं दूसरे रास्ते से आई थी, वो थोड़ा लॉन्ग लगता है मुझे स्टेयर से। मतलब रास्ता तो अच्छा है वो, बट अभी मैं ना शॉर्टकट से जा रही हूँ। पहले मैं पीजी में रहती थी, तो जहाँ पर मेरा पीजी था वहाँ से शॉर्टकट कई बार आते थे हम लोग ऊपर को। ढिंगू माता मंदिर बहुत ही नज़दीक था वहाँ से, तो मैंने ये वाला रास्ता पहले का देखा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी शॉर्टकट। तो गाइस, मुझे ये वाला फूल मिला, एस्थेटिक वाला फूल, और एक ही था, ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि शायद ये वाले फूल बहुत कम मिलते हैं क्योंकि बहुत प्यारे होते हैं और फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। और अभी सनसेट हो रहा है और बहुत ही अच्छा व्यू है। आप देख सकते हो मेरे पीछे संजौली, ब्यूटीफुल संजौली और ब्यूटीफुल सनसेट।
और हसीन वादियों में आशिमा चौहान। गाइस घास बहुत लंबा लंबा है, शायद यहाँ के लोगों ने घास नहीं काटा, इनका भी घास का सीजन शुरू नहीं हुआ है, शायद यहाँ के लोग गाय नहीं पालते हैं। इस घास की अहमियत तो सिर्फ पहाड़ी लोगों को ही पता होती है। मजाक कर रही हूँ गाइस, यहाँ पे तो किसी की गाय भी नहीं होगी शायद, तो भी ऐसे ऐसे रास्तों से जाना होगा। ये देखिए, सो गाइस मैं पहुंचने वाली हूँ अब बहुत ही जल्द मेन रोड में, और यहाँ नीचे था मेरा पीजी येलो वाली बिल्डिंग में, उस वो वाला फ्लोर दिख ही नहीं रहा अभी यहाँ से, और अब हम बहुत ही नज़दीक है अपनी मंजिल के। इसमें पहुंच गई हूँ अब संजौली, और ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। कल का अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है, नो एंट्री भी नहीं घूम पाते हैं टाइम से, 6:30 बजे के लिए तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, 6 बजे तो निकलना पड़ता है रूम के लिए, लेट हो गए तो ऐसा लगता है कि बहुत अंधेरा हो गया है। संजौली में विपुल मिला और साथ में विपुल का छोटा भाई, सबने सोचा कि थोड़ा चाय वगैरह हो जाए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और हेलो बोलो, ये दिल काला क्यों है? बोल रहा है ये दिल काला क्यों है। तो गाइस यहाँ मिले मुझे मेरे पुराने दोस्त, और इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ बाय गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।